क्या प्रभु, आप भी मुझे सता रहे हो इन लोगों की तरह? अच्छा, तो अगम बगम और ब्रिंगी तुम्हें सताते हैं? वो कैसे? हर रोज ये बड़े बड़े ग्रंथ लेके आते हैं और मुझे कहते हैं पढ़ के सुनाओ। आपको तो पता ही है, मैं तो अभी पढ़ना सीख रहा हूँ, और जब मैं ठीक से नहीं पढ़ पाता तो ये सब मुझ पे हंसते हैं। पढ़ेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? इसीलिए तो मूषक महाराज के लिए हम ग्रंथ लेके आते हैं। हाँ, और मूषक महाराज ग्रंथ के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ये नंदी क्यों भागा चला आ रहा है? प्रभु, प्रभु, प्रणाम प्रभु। क्या त्रिपुरा नगरी पर आक्रमण? इतनी पवित्र धरती पर राक्षसों का आक्रमण? नंदी, सभी गणों को युद्ध के लिए इकट्ठा करो, हम स्वयं त्रिपुरा नगरी को बचाने जाएंगे। क्या हुआ भगवन? भगवन? नंदी, मैंने एक भूल की है। भूल? आपसे? हाँ नंदी, मैं गणेश का नाम स्मरण करना भूल गया। मैंने ही कहा था कि कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले गणेश की पूजा करना आवश्यक है, और मैं स्वयं ही भूल गया। तो हमें अपनी भूल सुधारनी होगी प्रभु। तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। क्या है इसका कारण? कारण है ऋषि दर्शन को दिया हुआ वचन। वचन? कैसा वचन पिताजी? दर्शन ऋषि और उनके साथी गुरुजनों को लगता है कि हमारे यहाँ होने से बकरासुर उन पर और ऋषिगणों पर आक्रमण करता है, उनके तप में बाधाएं डालता है। इसी कारण उन्होंने मुझसे यहाँ से चले जाने का वचन लिया है। ये क्या बात हुई? ये तो भक्षक के बजाय रक्षक को ही दंड देना हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें अपना घर छोड़ना होगा। माँ, आप ये सब छोड़िए और मेरे पेट पर ध्यान दीजिए। मोदक खिलाइए जल्दी से, बहुत लंबी यात्रा पर जाना है। यात्रा? कौन सी यात्रा? मिनस पर्वत पर घर बनाना है तो उचित स्थान खोजने जाना होगा ना माँ, है ना पिताजी? तुम बड़े नटखट और शरारती हो गए हो बाल गणेश। ये तो कुछ नहीं पिताजी, असली शरारत तो अभी बाकी है। बाल गणेश, आजकल तुम पहेलियों में बहुत बात करने लगे हो, अब किस शरारत की बात कर रहे हो तुम? बच्चों की अपनी कुछ गुप्त बातें होती है पार्वती, जो गुप्त रहे तो अच्छा। क्यों गणेश? जाओ पुत्र, कार्य में सफल हो। भैया, मिनस पर्वत पर पहुंचने के लिए मेरे पास एक मजेदार उपाय है, क्यों ना हम सब वहाँ दौड़ कर पहुँचे? जैसा तुम कहो छोटे, मैं तैयार हूँ। तो तय हुआ, मैं और तुम अपने अपने वाहनों पर जाएंगे, बाकी सब अपना हिसाब किताब देख ले। मेरे विचार से ये निर्णय उचित नहीं है प्रभु, सब थक जाएंगे।
ये दो बातें बोल रहा है। पहली ये कि ये दौड़ने के लिए तैयार है, दूसरी ये कि नंदी इतना आलसी क्यों है। जी मत चुराओ नंदी महाराज, दौड़ के लिए तैयार हो जाओ। काम हो गया? जी प्रभु। बहुत अच्छे। एक, दो और तीन। भैया ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। सही कहा छोटे, स्थान की खूबसूरती जल्दी इतिहास में लिखने जाने वाली है। माँ सही कह रही थी, तुम पहेलियों में बहुत बात करने लगे हो। नहीं ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि मैं तो सत्य बोल रहा हूँ। ये देखिए। ये कौन है छोटे? इस तरह आने वाला और घूर के देखने वाला दोस्त तो नहीं होगा, परंतु शत्रु अवश्य हो सकता है। शत्रु? क्या इन्हें पता नहीं जो हमसे टकराता है टूट पड़ो। सहायता करो प्रभु। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल छोटे। अरे वाह, ऐसे भी कोई लड़ाई जीती जा सकती है? लड़ाई ताकत और घमंड से नहीं, बुद्धि से जीती जाती है दोस्तों। छछंदरों से जीत कर प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है बाल गणेश। तुम्हें क्या लगा बाल गणेश, मैं तुम्हें मीनस पर्वत की गुप्त सिद्धियां प्राप्त करने दूंगा? कदापि नहीं, वो सारी सिद्धियां अब मेरी होंगी। स्वागत है तुम्हारा वक्रासुर, किंतु मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आसानी से मेरी जाल में फंस जाओगे। अर्थात? अर्थात ये असुरराज, मीनस पर्वत पर कोई अद्भुत शक्तियाँ नहीं है। मैंने ऐसा खेल तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए खेला था। पहेलियाँ मत बुझाओ गणेश, साफ साफ बोलो। तो सुनो बकरासुर, मैंने ही मूषक राज के हाथों दर्शन ऋषि को ये बात पहुँचाई थी कि मीनस पर्वत पर अद्भुत शक्तियाँ हैं जिन्हें मैं प्राप्त करने जा रहा हूँ। मुझे पता था ये सुनकर तुम यहाँ अवश्य आओगे। अब आ गए हो तो अपनी गलती की क्षमा मांग लो और लौट जाओ। क्षमा? और मैं? वो भी तुमसे? तुम सबको तो मैं चींटियों की तरह मसल दूंगा। आक्रमण! आक्रमण की तैयारी करो। रुक जाइए प्रभु, क्या आप हमें एक और अवसर नहीं देंगे? मैं वचन देता हूँ, इस बार युद्ध में हम बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है नंदी महाराज, यदि आप इनसे लड़ना चाहते हो तो लड़ लो। वैसे भी मेरा और भैया का भी आराम करने का मन है। धन्यवाद प्रभु। ये क्या बोल रहा है बगम? मुझे लगता है ये तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा कर रहा है। तो इसे भी अकल आ ही गई। हाँ?
हाँ, देख क्या रहे हो तुम सब, आक्रमण करो, मार डालो सबको। शिव वाहन नंदी, वाहन का काम अपने मालिक को सैर करवाना होता है, लड़ना नहीं। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तो बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा है, किंतु साक्षात यम के स्वरूप महादेव के वाहन नंदी से नहीं। तुम ठीक तो हो? बहुत हुआ बच्चों का खेल, यदि हिम्मत है तो तुम दोनों भाई मुझसे लड़ो। दोनों से लड़ने की क्या आवश्यकता है राक्षस राज, मुझसे ही लड़के देख लो। तो आ, मुझे मार और जीत, नहीं तो मैं तुझे और तेरे साथ साथ तेरे भाई, मित्रों, पिता महादेव और माँ पार्वती सबको अपने पैरों से कुचल कर मार डालूंगा। आ, मार मुझे। क्या हुआ वक्रासुर भाई, तू तो गया। मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो अवश्य दे देता हूँ, बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा, तथास्तु। क्या छोटे, इस बार भी तुमने मुझे राक्षस को मारने का मौका नहीं दिया, मैं गुस्सा हूँ तुमसे। तुम्हें तो मैं मना लूंगा, बस माँ से कुछ मत कहना। मुझसे कुछ छुपाकर तुम जाओगे कहाँ बाल गणेश? माँ को अपनी संतान के बारे में सब पता चल जाता है, ऐसी जान मुश्किल में डालने की क्या आवश्यकता थी? माँ कान छोड़ो ना, उखड़ जाएगा। अपने अपराध की हम क्षमा मांगते हैं महादेव, हम गलती कर बैठे थे जो अपने रक्षक प्रभु के बजाय भक्षक राक्षस की बातों में आ गए। ये तो बाल गणेश है जिन्होंने हमारे हाथों पाप होने से रोक लिया। एक बात हमेशा याद रखिए ऋषिवर, लोमड़ी, सांप और बुरे व्यक्ति का कभी विश्वास मत कीजिए, अवसर मिलते ही ये सब मृत्यु का कारण बनते हैं। आप तो ज्ञान के भंडार हैं बाल गणेश। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। प्रभु ये लीजिए मोदक, मैंने खास आपके लिए बनाए हैं। प्रभु आप विश्राम कीजिए। प्रभु पानी। कौन हो तुम? मैं हूँ श्रवण, बाल गणेश का सच्चा भक्त। मैं हूँ बाल गणेश का सच्चा भक्त, तुम नहीं। नहीं, मैं हूँ। सच्चा भक्त कौन है, इसका फैसला कौन करेगा? प्रभु आप चाहें तो हमारी परीक्षा ले लें, आपको पता चल जाएगा कि आपका सच्चा भक्त कौन है, मैं या मूषक। मूषक तैयार हो? प्रभु जब आपका हाथ मेरे सर पे है तो मुझे डर किस बात का, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी 5 विभिन्न परीक्षाएं करूँगा, जो ज्यादा जीतेगा वही सच्चा भक्त कहलाएगा। हाँ, लेकिन परीक्षा देते समय छल कपट का प्रयोग नहीं करना है। हुँ।
वक्रतुंड महाकाय। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश पूजा करना अनिवार्य है और मैंने उसके बिना ही अपना अभियान शुरू कर दिया। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? हे प्रभु, हमारे सारे विघ्न दूर कीजिए। बाल गणेश की जय। सच्चा भक्त मैं ही बनकर दिखलाऊंगा मूषक, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रभु, मैं जीत गया। अरे मूषक, श्रवण ने कहा तुम दौड़ छोड़ के खाना खाने बैठ गए थे। देखा, हार गए ना? नहीं मूषक, अगर इस तरह चलता रहा तो तुम हार ही जाओगे और श्रवण फिर सच्चा भक्त कहलाएगा। सोच लो। चलो, अब दूसरी परीक्षा का वक्त आ गया। ओ, ये क्या लिखा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, आप श्रवण को ही सच्चा भक्त बना लो, मूषक से ना हो पाएगा। हमने कितनी बार मूषक से कहा पढ़ ले, अगर मूषक ने पढ़ लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मूषक, अब श्रवण ने दो दो परीक्षाएं जीत ली हैं। अब सुनो, तुम दोनों के सामने अभी जो भी आए वो खाना है, पर अपनी आंखें बंद करके। क्या? अगर तुम्हें परीक्षा नहीं देनी तो हार मान लो श्रवण। नहीं नहीं प्रभु, मैं तैयार हूँ। मैं तो आपका सच्चा भक्त हूँ। मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा प्रभु। अगम बगम, बांध दो इनकी आंखों पर पट्टी। क्या हुआ, तुम दोनों थक गए? नहीं, भोजन अभी समाप्त नहीं हुआ, बस ये आखिरी है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे देखना होगा कहीं सिर्फ मुझे ही तो तीखी मिर्ची नहीं खिलाई। वाह मूषक, इस बार तो तुम जीत गए। क्या आश्रम पे आक्रमण? नंदी ब्रिंगी, चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। प्रभु, मैं भी चलूंगा आपके साथ और आपकी रक्षा करूंगा इन दैत्यों से। मूषक, श्रवण, लगता है तुम्हारी आखिरी परीक्षा का वक्त आ गया है। जो इसमें उत्तीर्ण होगा वही मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मूषक,
मुनिवर, आप अंदर जाइए, इसे हम संभाल लेंगे। प्रभु, मैं अकेला ही काफी हूँ इसके लिए, आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। नहीं प्रभु, इसे तो मैं ही मारूंगा। बाल गणेश, तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को अगर लगता है कि मुझे आसानी से मार दोगे तो ये असंभव है, असंभव। काश तुम मुझे मार पाते, काश। क्या हुआ? मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ, बस सिर्फ उनकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा। कुछ। रुको, मत मारो मुझे, रुको रुको। जरा तुम इनसे तो लड़के दिखाओ। तैयार हो? कहाँ जा रहे हो? बाल गणेश, मुझे माफ कर दो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं। अपनी जान बचाओ। मूषक, लगी तो नहीं तुम्हें? प्रभु, आपके होते हुए मुझ जैसे सच्चे भक्त को किस बात का डर? अरे तो फिर यहाँ जमीन पर क्यों लेटे हुए हो? माँ के हाथ के लड्डू नहीं खाने? चलो। प्रभु, मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको धोखा दिया और मैं प्रभु भक्ति में भी मूषक राज से कम ही साबित हुआ। मैं प्रसन्न हूँ कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ श्रवण। एक सच्चा भक्त वही होता है जो अपने प्रभु में पूर्ण विश्वास रखे और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, और इसीलिए मूषक तुम जीत गए। श्रवण, मेरे मित्र, तुमने सच्चा भक्त बनने के लिए गलत तरीके अपनाए, लेकिन तुम्हारा प्रभु भक्ति के लिए प्यार सही था, और जिसके दिल में बाल गणेश जी के लिए प्यार हो वो मेरा मित्र होता है। आओ मित्र, गले मिलो।